असल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल डी एस एवरी। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो माज़रत, ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं ये, और मैं कहीं बिज़ी भी था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आज है 18 तारीख, ठीक है, और आज मेरा ये फर्स्ट डे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, और ये आज ही काम स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे काम करवाना है, तो आज के दिन में ये फ्रंट टूट गया जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये छत भी हट गई है, सारा मलबा वगैरह इधर आ गया है। अब कल इंशाल्लाह यहाँ इस तरफ ये यहाँ पे गेट लगेगा, ठीक है, और ये जितना भी ये कमरा खड़ा हुआ है 8 फुट तक, ये पूरा ये यहाँ 7 फुट आगे आएगा और ये 8 फुट तक यहाँ ऊपर जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बता चलूँ तो इसकी चौड़ाई जो मैं है वही सेम है, 10 फुट, ठीक है। पहले 10 बाय 10 का कमरा था, ये यहाँ तक ऐसे कमरा था, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये 17 बाय 10 का कमरा हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कमरा हो जाएगा और बर्ड इंशाल्लाह हैप्पी रहेंगे। दूसरा, मैंने जो इसमें काम करवाया है वेंटिलेशन का, मैंने जब मैंने बनवाया था पहली बार तब मैंने ख्याल नहीं रखा था और मुझे इतना पता भी नहीं था, तो अभी मैंने जो है वेंटिलेशन के लिए ख़ासतौर पर ये पूरी तोड़वाई है, ठीक है। जैसे आपको बता था कि पहले इतनी ये 1.5 फुट की मेरी बनी हुई थी ये जो है विंडो, अभी मैंने इसको 3 फुट चौड़ा कर दिया है, ठीक है। और अभी जब ऊपर जाएगा ये टूटेगी तो ये ऊपर से जो है मतलब और लंबी हो जाएगी, और जो ये फ्रंट आएगा इसका यहाँ पे मतलब बाहर की तरफ सामने, मतलब यहाँ गेट होगा ये, ठीक है, और सामने इस तरफ ये दीवार आ जाएगी तो यहाँ पे भी एक विंडो होगी, तो यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से और यहाँ से ये आउट होगी, ठीक है। तो इसको भी मतलब ये अभी से चौड़ाई की है, इसकी लंबाई ऊपर तो जब ये जाएगा अभी, ठीक है, तब होगी। और दूसरा मैं आपको दिखा दूं कि जब ये ऊपर जाएगा तो मैंने ऊपर भी ऐसी सेम जो है ऐसी विंडोज़ रखवाई हैं छोटी छोटी, इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो आपको दिखेगा। तो जितना हो सके अपने बर्ड्स को जो है वेंटिलेशन दें, बर्ड को ख़ास तौर पे वेंटिलेशन देंगे तो आपके बर्ड जो है अच्छी ब्रीड करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास फिर आपकी ह्यूमिडिटी कम हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वेंटिलेशन होगी प्रॉपर तो आपके पास आपके बर्ड ब्रीड करेंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी भाई के पास देखा है और सुना भी है कि भाई हमारे पास 20 ह्यूमिडिटी होती है, 25 होती है, फिर भी बच्चे हैच हो रहे होते हैं एक से ना। तो आपको मेन चीज़ उनकी क्या होती है वहाँ पे, आपको वहाँ पे फील ही नहीं होगा हब्स, तो ये सबसे बड़ा जो है रोल प्ले करता है वेंटिलेशन लव बर्ड्स के अंदर, कि आपने बर्ड रूम की वेंटिलेशन कितनी दी है, जितना आपसे पॉसिबल हो सके वेंटिलेशन दे रूम में, ठीक है। तो ये सारा सीन है, देख लें। इसी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, मज़दूरों को हाथ करना और इधर उधर, और दूसरा ऑफिस होता हूँ और जो है तबीयत भी मेरी कुछ सेट नहीं थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ही मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।